नमस्कार, आपका स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज से ठीक 10 साल पहले 3 अक्टूबर 2011 को मंडे नाइट रो के दौरान पूरे रो रोस्टर ने WWE के CEO ट्रिपल एच को नो कॉन्फिडेंस वोट करके वॉकआउट किया था। उस रात हमें क्या देखने को मिला था, ये पूरी स्टोरी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज से ठीक 10 वर्ष पहले 3 अक्टूबर 2011 को पूरा WWE रोस्टर WWE के CEO ट्रिपल एच को नो कॉन्फिडेंस वोट करके लाइव शो के दौरान फैंस की मौजूदगी में इस इवेंट से वॉकआउट कर गए थे। अब शुरुआत से बात करते हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में। दरअसल WWE वेजिनेंश 2011 के दौरान ट्रिपल एच ने आर्टूथ और द मिज को WWE से फायर कर दिया था, जिसके पीछे का कारण द मिज और आर्टूथ का ट्रिपल एच और CM Punk के बीच चल रहे मैच में इंटरफेयर करके कैमरामैन और रेफरी पर अटैक करना था। इन दोनों ने ठीक यही स्टोरी हेल इन ए सेल के दौरान भी दिखाई, जब अल्बर्टो डेल रियो ने जॉन सीना और CM Punk को हराकर WWE चैम्पियनशिप को जीती थी। इस मुकाबले के बाद द मिज और आर्टूथ इन दोनों ने तीनों कॉम्पिटिटर्स पर अटैक किया, इसके साथ ही उन्होंने रेफरी और कैमरामैन को भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद ट्रिपल एच सहित पूरा WWE रोस्टर इन दोनों को रोकने के लिए बाहर आ गया, लेकिन सेल अंदर से लॉक था, जिसे बाद में बोल्ट कटर की सहायता से तोड़ा गया और न्यू ऑरलियंस पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा आर्टूथ और द मिज को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी अगली रो में पूरे WWE रो रोस्टर ने ट्रिपल एच को नो कॉन्फिडेंस वोट कर वॉकआउट किया। उनका कहना था कि द गेम ने एक ऐसा अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें काम करना नामुमकिन है। वॉकआउट करने वालों में WWE सुपरस्टार के अलावा रेफरी, कमेंटेटर, कैमरामैन सहित दूसरे क्रू मेंबर भी शामिल थे। इसके बाद ट्रिपल एच काफ़ी कंफ्यूज थे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पता नहीं अब ये लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी ट्रिपल एच ने CEO के पद को छोड़ने से मना कर दिया और रो को प्री प्लान्ड तरीके से जारी रखने का फैसला लिया, जिसे बाद में जॉन सीना, CM Punk और शेमस ने ज्वाइन किया। ट्रिपल एच ने तुरंत जॉन सीना और शेमस के बीच मुकाबले का अनाउंस कर दिया और CM Punk ने अनाउंसर की भूमिका निभाई, लेकिन इस मुकाबले को बीच में ही रोक दिया गया जब विंस मिकमैन ने यहां पर इंटरफेयर करते हुए ट्रिपल एच को उनकी ड्यूटी से रिलीव कर दिया और जॉन लॉरेंटिस को तुरंत रो का नया जनरल मैनेजर नियुक्त किया। लॉरेंटिस ने तुरंत उस ऑर्डर को रिस्टोर करके पूरे WWE रो रोस्टर का एरिना में स्वागत करके तुरंत जॉन मॉरिसन और क्रिश्चियन के बीच मुकाबले का अनाउंसमेंट कर दिया। यह किस्सा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी समय तक छाया रहा। तो गाइज़, आज ये किस्सा हमने आपके साथ भी शेयर कर दिया। इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।